गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। 5 अगस्त को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य श्री राम मंदिर निर्माण के लिए होने वाले भूमि पूजन की तैयारियों का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया जायजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने की है संभावना, कहा 4 और 5 को पूरे देश में होगा दीपोत्सव का माहौल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में संपन्न हुई गोरखपुर एवं बस्ती मंडल की कोविड 19 की समीक्षा बैठक। प्रतिदिन 500 से 1000 रैपिड टेस्ट कराया जाने के साथ राशन माफियाओं पर NSA लगाने के दिए निर्देश, कहा किसी भी हाल में कोरोना संक्रमण पर पाए काबू, लापरवाही बर्दाश्त नहीं। राजघाट थाना क्षेत्र के अंतर्गत हनुमानगढ़ी के पास नदी में नहाने गए युवक की डूबने से हुई मौत। NDRF की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर शव को किया बरामद, पुलिस ने भेजा पोस्टमार्टम हाउस। मंडलायुक्त के PA संजय शर्मा की कोरोना से हुई निधन पर कमिश्नर DM CO गीडा ने उनके परिजनों को दिया 50 लाख का आर्थिक सहायता, हर संभव मदद करने का दिया आश्वासन। नागपंचमी के अवसर पर ग्रामीण क्षेत्रों के लोग सुबह से भगवान शंकर और नाग देवता का किए जलाभिषेक। मंदिर के पुजारी पुरुषोत्तम गिरी ने कहा धन संपदा व समृद्धि की प्राप्ति के लिए मनाई जाती है नागपंचमी। गोरखपुर जिले में शनिवार को जिला आपदा प्रभारी और स्वास्थ्य टीम प्रभारी समेत मिले 109 कोरोना पॉजिटिव मरीज। संक्रमितों की संख्या हुई 1539। कोरोना संक्रमित 37 मरीजों की हो चुकी है मौत, इसमें 744 मरीज स्वस्थ होकर जा चुके हैं घर। 758 मरीज विभिन्न सरकारी अस्पतालों में है भर्ती, CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की पुष्टि। SP क्राइम अशोक कुमार वर्मा के नेतृत्व में संपन्न हुआ कोतवाली सर्किल क्षेत्र के शेरनी दस्ते का 3 दिवसीय कैप्सूल कोर्स प्रशिक्षण। विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रशिक्षकों ने प्रशिक्षु महिला सिपाहियों को दिया प्रशिक्षण। लगातार हो रही बारिश से जिले की सभी नदियां उफान पर। ADM फाइनेंस ने कहा जिले में नहीं है बाढ़ का खतरा, किसी भी जनहानि या पशुहानि का नहीं है सूचना, स्थिति सामान्य। 2 दिनों की साप्ताहिक बंदी के मद्देनजर शनिवार को सड़कों और बाजारों में पसरा रहा सन्नाटा। SPCT ने कहा कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकने में प्रशासन का करे सहयोग। और नागपंचमी पर्व के अवसर पर मुक्तेश्वरनाथ मंदिर में शिव भक्तों ने की भगवान शिव और नाग देवता की पूजा अर्चना, मांगी मन्नत।